रजपुरा थाना अंतर्गत हुई एक हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया है। हत्या की वजह नौकर के द्वारा चोरी की शिकायत मालिक से किया जाना बताया गया है। मामले की जानकारी देते हुए व्यक्ति था जो पहले गौड़ी में कर्मचारी था, लेबर था, हाई स्कूल में बॉय, मृत अवस्था में मिला था 18 तारीख की सुबह। उसकी सूचना के आधार पर मर कायम किया गया। जांच जब की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति के गले को रेता गया था, उसके गले पर प्रहार किया गया था, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया 302 IPC का अपराध सिद्ध पाया गया। मौके पर दो शराब की बोतलें या जिन्हें कहें पाव प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसके साथी जो उसके साथ शराब पीने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा घटना की गई होगी। बहुत अच्छी बात हुई जब हमारे हैंडराइट उसके एक्सपर्ट आए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो हमारे आए और हमारी जो FSL की अधिकारी आई, उन्होंने भी हमारी जो संभावना थी उस संभावना को तय करते हुए उन पाव जो मिले थे शराब के, उन पाव पर फिंगरप्रिंट डेवलप की। उन फिंगरप्रिंट तथा उस मृतक के हम प्याला साथियों से पूछताछ के आधार पर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी न किसी इसके साथी के द्वारा ही ये घटना घटित की गई। विवेचना आगे बढ़ी फिंगरप्रिंट के आधार पर, उसके फोटोग्राफ और घटनास्थल की विवेचना के आधार पर हम लोग जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँच गए जिस व्यक्ति से उस मृतक के द्वारा शिकायत करने के आधार पर उस दुकानदार के द्वारा उस व्यक्ति को पीटा गया। स्वाभाविक रूप से यह बात समझ में आ गई कि उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति मृतक है, मृतक ने आरोपी के बारे में उस मालिक से शिकायत कर दी थी कि इसने तुम्हारे 200 रुपये निकाले। मूल घटना का कारण देखा, क्योंकि मालिक ने उसके साथ मारपीट कर दी तो उसने अपनी बेइज्जती महसूस की और उसने बात कर दी कि अब हमें निपटा दें। उसी क्रम में उसने इस हत्या का एक षडयंत्र रचा। उस षडयंत्र के तहत उस व्यक्ति को जिसकी हत्या हुई है उसे एक स्कूल में शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। स्वाभाविक रूप से शराब पीने का आदि था, आरोपी भी शराब पीने का आदि था, दोनों एक साथ शराब पिए। शराब पीने के बाद उसने इंतजार किया, अत्यधिक शराब पिलाई उसको और उसको इंतजार किया कि वो व्यक्ति सो जाए। जब व्यक्ति मृतक जब सो गया उसके बाद उसने उसके पास पहले से जो हसिया था, जिसे हम सब्जी को काटने का उपयोग करते हैं, उस हसिया से उसने उसकी गर्दन काट दिया।